बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट मर्सिफुल द मोस्ट मैग्निफिसेंट। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। फवी या अल्लाह रब्बी कुम तकज़्ज़बान, और तुम अपने रब्बी कौन कौन सी नेमत को छुड़ाओगे, द विच ऑफ द फेवर्स ऑफ योर लॉर्ड विल यू डिनाई। शुरू करते हैं अल्लाह के बबरकत पाक नाम से। आज के लेक्चर का कुछ एजेंडा यहाँ पे है, एक है सिलो स्ट्रक्चर, एक है फेसबुक की सीक्रेट नीश है, ठीक है, एक है अमेजोन नीच वेबसाइट डिस्कशन, एक है डेली एसईओ स्ट्रेटजी प्रोसेस, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आर यू डूइंग एनीथिंग, और क्वेश्चन आंसर सेशन है। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें यहाँ पे, इतना अच्छा शायद पता एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा, आगे जाके आप देखेंगे, आप इंजॉय करेंगे लेक्चर को। अच्छा, सिलो स्ट्रक्चर, सिलो स्ट्रक्चर बेसिकली जो है ये कोई डोर वे भेजनी है, हॉल वे भेजनी है, स्पैमिंग नहीं है, बल्कि एक लीगल वे, इट्स अ लॉन्ग टर्म वाइट हैट स्ट्रैटेजी, जिसके ज़रिए आप, अगर ये सीरो स्ट्रक्चर आप तब यूज़ करें जब आपकी, मैं पर्सनल तौर पर तब यूज़, जब मेरी रैंकिंग स्टक हो जाए और कुछ ना मिले रैंकिंग के लिए, इम्प्रूव करने के लिए, तो फिर हम सीरो स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। स्टार्टिंग में भी यूज़ किया जा सकता है और दरमियान में भी किया जा सकता है, बट पर्सनली मेरे ख्याल में, जो मेरा तजर्बा, मेरे एक्सपीरियंस के लिहाज से, द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट द सीरो स्ट्रक्चर इज़ जब आपकी वेबसाइट की रैंकिंग स्टक हो जाए। बट अगेन आई नो मैनी पीपल जो स्टार्टिंग से यूज़ कर रहे हैं और इसका बेनिफिट ले रहे हैं। अच्छा, बेनिफिट आपको बहुत अच्छा मिलेगा, लैंडिंग पेज अच्छा होगा, आपकी स्ट्रक्चर बनेगा, ऐसी पावर मिलेगी। अब आपको समझाते हैं कि एक्चुअली बेसिकली है क्या ये आपके, लेट से आपके दो आपकी नीश है, ठीक है, दो नीश है, आपने उनसे रेलिवेंट आर्टिकल्स बना के, लेट से आपके दो आर्टिकल्स आपकी वेबसाइट पे हैं जिनको जिनको आप रैंक करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब आप रैंक करते करते आपको 2 महीने हो गए, 3 महीने, आप स्टक हो गए, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, करेंगे क्या कि अब हम उसे रेलिवेंट बनाना शुरू करेंगे उसके पेजेस, ठीक है। जैसे लेट से अगर हमारा है स्टॉप डॉग बार्किंग, ठीक है, तो हम इसको कह सकते हैं स्टॉप डॉग बार्किंग एट नाइट, 5 वेज टू स्टॉप डॉग बार्किंग। अब ये क्या कर रही है, जो रेलिवेंट आर्टिकल्स हैं ये इसको लिंक कर रहे हैं ओरिजिनल आर्टिकल को। आप आर्टिकल्स बनाएं और उनसे एंकर टेक्स्ट डाल के मेन आर्टिकल के ऊपर लिंक कर दें। ये वाला फॉर्मूला अगर मैं आपको बताऊं, मैंने अपने ही वेबसाइट पे किया और मुझे इसका बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिला, alireza.co पे किया, तो उसका आप देखेंगे उसके ऊपर कोई बैकलिंक नहीं है उस पेज का, ठीक है, और उसको बड़ा अच्छे से रिस्पांस मिला सिर्फ सिलो स्ट्रक्चर करने की वजह से। मैं आपको दिखाता हूँ सिलो स्ट्रक्चर करके हुआ क्या। ये देख रहे हैं आप, मेरा आर्टिकल आ गया यहाँ पे, या हाउ टू फिक्स, इस पर तो नंबर 1 पे आ जाता है, या 2-3 पे आ जाता है शायद, ये देखिए आप। अच्छा, अब मज़े की बात क्या है कि मैंने जो है ना, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े लोग हैं, बड़ी बड़ी वेबसाइट हैं, ठीक है, जो मेरे से नीचे हैं, जो नई ऊपर से आ सकी, इसके ऊपर रैंक कर सकी, मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या किया था, सीरो स्ट्रक्चर यूज़ किया था ये वाला, कि मैंने इसे रेलिवेंट आर्टिकल्स बनाई हैं, अपने रेलिवेंट आर्टिकल्स के साथ इसको लिंक करना शुरू किया, वो जनाब इसकी रैंकिंग कहाँ से कहाँ पहुँच गई, ठीक है। आप लोगों को समझ आया सीरो स्ट्रक्चर, इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करें। आप लोग जाग रहे हैं, यहाँ सो रहे हैं, किसी को समझ आया है? अच्छा, ठीक है, मैं रिपीट भी कर देता हूँ एक दफ़ा, ठीक है, मैं आपको रिपीट करके दिखाता हूँ, ये आप यूँ समझ लें, ठीक है। लेट्स से कि मेरा एक आर्टिकल है, ठीक है, मेरा एक आर्टिकल है, उसका क्या नाम है, लेट्स से कि मैं एक प्रमोट कर रहा हूँ, ठीक है, वो है करंट इवेंट है, लेट्स से ICC वॉच ICC वर्ल्ड कप मैचेस लाइव, ठीक है, ये मैं प्रमोट कर रहा हूँ, ये मेरा एक पेज है इसका, ठीक है।
ठीक है, अब मेरे इस पेज पे 3000 वर्ड्स का आर्टिकल है, ठीक है, यूं कर लें कि नेक्स्ट लैंग्वेज रहे 3000 वर्ड्स आर्टिकल, इमेज भी है, वीडियोस भी हैं, बैक लिंक्स भी हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मैंने इसकी अथॉरिटी डालने के लिए मैंने क्या किया कि मैंने अपनी वेबसाइट पे 5 मोर आर्टिकल्स बनाए अपनी उसी सेम वेबसाइट पे, ठीक है, ठीक है। और मैंने उस पर एक आर्टिकल का नाम रख दिया, वाई यू नीड टू वॉच ICC वर्ल्ड कप मैच लाइव, ठीक है। अब इस आर्टिकल के अंदर मैंने बैकलिंक दिया इसी मेन पेज का, ठीक है। फिर तो मैंने दूसरा आर्टिकल निकाला कि 5 रीजंस दिस ICC वर्ल्ड कप इज गोइंग टू बी अमेजिंग, ठीक है। स्ट्रगलिंग टू फाइंड गुड प्लेस टू वॉच ICC वर्ल्ड कप लाइव, ठीक है। अब ये इसी तरह के मेरे सारे आर्टिकल्स किसको लिंक कर रहे हैं, इसको, और ये सारे मेरी वेबसाइट के अंदर है, ठीक है। इसे कहते हैं सिलो स्ट्रक्चर, ठीक है। ये बैक, ये बेसिकली आर्टिकल्स सपोर्ट करते हैं रैंकिंग को, ये यूजुअली यूज तब किया जाता है जब आपकी रैंकिंग स्टक हो जाए, मगर स्टार्टिंग से भी इसको यूज किया जा सकता है। कि लेट से कई लोग करते गए कि अपना मेन पेज पे अगर एक ही कीवर्ड को टारगेट कर रहे हैं तो यही आपका मेन पेज पे सारा कंटेंट यही है, और अंदर वाले पेजेस पे आपने ये आर्टिकल बनाए हुए हैं जो फिर मेन पेज को लिंक कर रहे हैं, मगर उसके एंकर टेक्स्ट के साथ जिसके साथ आप टारगेट करना चाहते हैं, ठीक है। ये सिलो स्ट्रक्चर का आपको पता चल गया, ठीक हो गया। अच्छा चलिए, गुड भी हो गया, ठीक हो गया। मैं आप आगे से अच्छा मैंने आगे से नहीं, एक आप लोगों को बताना था, एक नीश है जिसपे मैंने नहीं आप लोगों को देखा काम करते हुए, ठीक है। वो है एक मज़ेदार फेसबुक की सीक्रेट नीश, ठीक है, जिसके ऊपर आप लोग काम करके बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। मुझे नहीं पता मैंने बताई हुई है या नहीं बताई हुई, ठीक है, मेरे जहन में है तो मैं आप लोगों को बताऊँ, ठीक है। मैं ना आपको ये के सामने मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। अच्छा अब आपको इतना पता है कि आप गूगल करते हैं, ठीक है। अब आप गूगल पे लिखेंगे क्रेडिट कैश सागा चीट्स, ठीक है, तो आपके सामने मेरा ख्याल है कोई हज़ारों वेबसाइटें आ जाएंगी जो इसका काम करती हैं, ठीक है। अच्छा अब आपको मैं एक दो चीज़ें बताता हूँ। पहले हम देखते हैं ये वेबसाइट है, ठीक है, इस वेबसाइट पे ट्रैफिक कितनी है। हम SEM रश पे जाके देख लेते हैं कि भाई इस वेबसाइट पे क्या सिनेरियो चल रहा है, या एलेक्सा पे साथ इसके देख लेते हैं, ठीक है। ये गेम है कैंडी क्रश, इसको तो बच्चा बच्चा जानता है, ठीक है। हमने इस गेम को टारगेट नहीं करना, मगर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जितने लोगों ने इसको टारगेट किया हुआ है वो कहाँ बैठे हुए हैं। यहाँ पे तो अच्छी ट्रैफिक आ रही है, अच्छा जनाब, यहाँ पे भी ट्रैफिक देख रहे हैं कितनी ज़बरदस्त आ रही है, 100K ज़बरदस्त, 10,000 कीवर्ड पे टॉप पे है।
ठीक हो गया, वेबसाइट सही घुमा रही होगी आप लोगों के लिहाज से, अमीर बड़ी वेबसाइट है, ठीक है, क्या ख्याल है आपका? ये वेबसाइट आपके ख्याल में सही घुमा रही है या नहीं घुमा रही? बहुत ज़्यादा घुमा रही है। अच्छा, अब चीज़ क्या है कि हमने इस वेबसाइट को टारगेट नहीं करना, ठीक है, हम इसकी बजाय करेंगे क्या ना, हम इस गेम को टारगेट करना है। अभी प्लीज बताएं भी जो बंदा एंटर हुआ है वो कौन है। जल्दी से बता दे कौन बंदा आया अभी अभी, किसने ज्वाइनिंग की? अच्छा ठीक हो गया, गोहर भाई आए, आप लेट आए हैं, आपने बहुत चीजें मिस की। अच्छा अब सिनेरियो ये है कि हमने इस गेम को टारगेट नहीं करने में पता चल गया ये गेम वाला बंदा जरूर से ज्यादा कमा रहा है, ठीक हो गया। अच्छा अब हम इसके बजाय अब हम करते क्या है, ठीक है, अब हम थोड़ा सा एनालाइज करते हैं डेटा को। कैंडी क्रश को तो बच्चा बच्चा जानता है, ठीक है, वो मेरा ख्याल है कि आप जिसको नहीं भी जानते ना वो भी कैंडी क्रश को जानते हैं, क्योंकि ये हर मोबाइल की जीनत बनी हुई है, ठीक है। अब हमने करना क्या है कि हमने सॉरी, ये पे जो टॉप ग्रॉसिंग गेम्स हैं इनको समझना है, ठीक है। अब आप ये बताएं कि लेट से ये गेम है पर्ल्स पेरल, ठीक है। अब ये गेम आपके सामने मैंने निकाली है, मुझे नहीं पता, ठीक है, कि क्या सिनेरियो है इसका, ठीक है। इस बंदे के तो बैकलिंक्स भी जबरदस्त हैं, 4.5 के हैं, ठीक है। अब ये गेम है, ठीक है, अभी ये देखिए किसी ने इसके ऊपर एक डेडिकेटेड ईएमडी की वेबसाइट भी नहीं बनाई हुई, ठीक है, किसी की अपनी वेबसाइट नहीं है, ये कोई डेडिकेटेड वेबसाइट नहीं है, ठीक है। हम इसको सर्च करते हैं, इस गेम का सिनेरियो क्या चल रहा है, कितनी दफा सर्च होती है। अब आप ये देखो कि 22,000 दफा ये कीवर्ड सर्च होता है, ठीक है, और इसके ऊपर किसी ने कोई पर्टिकुलर डोमेन नहीं खरीदी हुई जिसके जरिए इसके चीट्स के ऊपर काम किया जाए, ठीक है। अगर किसी की अपनी डोमेन हो 2 मिनट लगेंगे रैंक होते हुए, किसी ने इसके ऊपर कोई प्योर नीश है, खाली नीश है, खाली कि आओ मुझे आके टैग करो और कमाओ, ठीक है। अच्छा अब ये आप लोग, अब हम जो है ना फेसबुक की न्यू गेम्स को, टॉप ग्रॉसिंग गेम्स को टारगेट करेंगे, उनके ऊपर वेबसाइट बनाएंगे और उनसे एक तो एडसेंस से पैसे कमाए। मैं आपको एक और टेक्निक दिखाता हूँ, ये मेरी अपनी वेबसाइट है, ठीक है, मैं आप लोगों के सामने डिस्कस कर रहा हूँ, शायद मैंने पहले की भी है, नहीं की भी तो मैं दोबारा कर देता हूँ, ठीक है। कहेंगे तो वेबसाइट का आपको जो भी, अगर आज वेबसाइट से रिलेटेड कोई सेटिंग स्क्रिप्टिंग वगैरह आपको कोई हेल्प चाहिए हो, ये इसको अगर आप कॉपी करना चाहते हो, मगर अगेन अपनी गेम्स वगैरह के साथ, तो वो भी आपको इसमें हेल्प मैं आपको कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा अब पहले ये बताएं ये कॉन्सेप्ट कैसा है कि हम इन गेम्स को टारगेट करें, इनमें देखें कोई कॉम्पिटिशन ही नहीं है, ठीक है। अगर हम लेट्स इनके ऊपर चीट्स की वेबसाइट बनाएं, क्या ख्याल है आप लोगों का? अच्छा इन पे कंपटीशन नहीं, आपकी वेबसाइट को रैंक होने में कोई टाइम नहीं लगेगा, आपके 10-15-20 बैकलिंक्स हो ये हो जाएगी रैंक, खुल जाए ये वेबसाइट। दोबारा से रिलोड कर रहे। अच्छा अब हम इसके अलावा लेट से कि हम कोई और यहाँ से उठाते हैं, चले अब ये देखें लेट से के मैं कहता हूँ कि बैट फिगीज भी अच्छा है, पर चलो यार आप जो है ना बैट फिगीज पे लोगों ने काम किया होगा, ठीक है, पर चलो हम बैट फिगीज को भी देखते हैं। देखिए इसके ऊपर किसी ने बनाई हुई है वेबसाइट, एक ईएमडी वेबसाइट बनाई हुई है, ठीक है। अब आप इसके मुकाबले पे आप ये देखें कि कैंडी क्रश पे कितने लोगों ने बनाई हुई, कितने लोगों की अपनी डोमेन है जैसे कैंडी क्रश के लिए टारगेट, एक, दूसरा, फिर कैंडी क्रश, ठीक है, ये
ये जनरल होगी। फिर एक और कैंडी क्रश, फिर एक और कैंडी क्रश, ठीक है। अच्छा ये जिनके ऊपर एएमडी डोमेन्स नहीं है ना, इसका मतलब है कि ये वो गेम्स हैं जिनके ऊपर जगह है कि जिसके ऊपर हम टारगेट कर सकते हैं। अब जैसे ये ड्रैगन सिटी है, ड्रैगन सिटी चीट्स, ठीक है, ये वो कीवर्ड्स हैं जो हलवा हैं जिनके ऊपर। मैं आपको एक बात बताऊं, एक स्टूडेंट, आप रमजान भाई आप तो स्टूडेंट हो ना आमिर इकबाल के, मैं एक ऐसे स्टूडेंट को जानता हूँ, ठीक है, जो के एक गेम है क्लैश ऑफ क्लैन, ठीक है, उसके जरिए तो डेली का $200 कमाता है, ठीक है, सिर्फ उसके चीट्स करके, ठीक है। अब देखिए इसके ये वाली गेम का फिर इसमें है एक ड्रैगन सिटी, एक ईएमडी डोमेन है, ठीक है, इसमें कंपटीशन है थोड़ा, मगर अगेन ये बहुत आसान नीश है। आप न्यू गेम्स को टारगेट करें जो गेम्स रिसेंटली लॉन्च हुई हैं या जो अपकमिंग शो रही है उनको आप टारगेट करें। तो आपको कोई जो है ना मसला नहीं हो। अच्छा मैं आपको अपनी वेबसाइट दिखाता हूँ, ठीक है, ये मेरी वेबसाइट है, खुल गई है, ठीक है। अब यहाँ ये देखिए, अब हमने किया क्या हुआ है, मैंने इसमें एडसेंस नहीं लगाया, ठीक है, गेम है BFP4F, ठीक है, इसको मैंने अपडेट ही नहीं किया वेबसाइट को, बट स्टिल अभी भी वेबसाइट कमा के देती है, ठीक है। आप लोगों में से पहले किसी ने मेरी ये वाली वेबसाइट देखी भी है? अच्छा नहीं देखी भी, किसी ने नहीं देखी भी, चले ठीक हो गया। फिर आप लोगों को मैं आज आपको अपनी एक नई वेबसाइट का बता दूं, ठीक है, इसका नाम मैं आपको मैसेज भी यहाँ पे कर देता हूँ ताकि आप लोग ने जाके अगर आप वर्किंग करनी हो तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। वेबसाइट ना असल में दूसरे है, SSD सर्वर पे नहीं है, दूसरे सर्वर पे होस्ट है, थोड़ी सी स्लो है, ऊपर से मैंने स्कोप खोला भी नहीं है इतनी देर तो। बट इस वेबसाइट से मुझे जो है ना 2K+ डॉलर का मुझे अर्निंग हुई हुई CPA लीड से, ठीक है, 2000 डॉलर की इसने की हुई। अभी मैंने इसके ऊपर अपलोड कुछ नहीं, अपडेट ही नहीं इसको मैं करता, चलिए इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा खुलते हुए। हाँ जी, अच्छा अब ये देखें क्या है कि वो इनके तो रिडीम कोड, यहाँ जाएं आपको कौन सा गेम का ये वाला कोड चाहिए, ठीक है, ये दुबाए 7 गो। अब आप प्रोसीजर देखिएगा कितने मजे का है इसका, वेबसाइट को भी अपडेट करना पड़ेगा, नहीं सर्वर पे डालना पड़ेगा। दोबारा से रिफ्रेश कर, अच्छा जब तक ये खुलती है तब तक अभी तक के लिए कोई सवाल सिलो स्ट्रक्चर के हवाले से, कोई सवाल जो आज हमने सिलो का स्ट्रक्चर समझा उसके हवाले से कोई सवाल, या ये जो हमने एक और नीश निकाली है फेसबुक गेम्स की नीश, इसके हवाले से कोई सवाल हो तो वो आप कर सकते हैं। अच्छा, आप जमान में एक सवाल है कि सर स्क्रिप्ट वगैरह कहाँ से मिलता है, सर जी थोड़ा बताने का तरीका एक्सप्लेन करें। अच्छा मैं बताऊँ तो ये वाला स्क्रिप्ट जो है ना, आप ये पूरी वेबसाइट की कॉपी आपको लोग आपको मैं दे सकूँ, ये देखें। अच्छा अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है, कोड लेने के लिए, या आप देखिएगा सही होगा क्या, ये पूरा के पूरा जो है ना वेबसाइट आपको जो है ना पूरा स्क्रिप्ट आपको वर्डप्रेस के ऊपर जो है ना एक्सपोर्ट करके मैं आप लोगों को दे सकता हूँ, मगर शर्त ये होगी कि आप लोगों ने जो है ना
क्या नहीं करना कि एग्जैक्ट मेरी कॉपी छापा नहीं मारना, बल्कि बजाय अपने पेजेस बनाने और यूनिक करने कंटेंट का मेरा छापा नहीं मारना, तो ये मैं दे सकता हूँ, ये पूरा स्क्रिप्ट मैं आपको दे सकता हूँ, क्योंकि हमने कस्टम बनवाया हुआ है, मगर चूंकि मैंने इस पर काम किया तो मुश्किल नहीं है इसका। अभी देख, ये ना थोड़ा सा इसमें मेरा ख्याल है मैंने अपडेट नहीं वो इसको किया, तो ये आता है क्या है कि इसके ऊपर जो है ना, हाँ पाकिस्तान कंट्री, इसके ऊपर ना कंटेंट लॉकर लग जाता है, ठीक है, लॉकर लग जाता है डाउनलोड पेज के ऊपर। लॉकर करता क्या है कि वो आपकी पहले डिटेल लेता है कि आप उस वो करें सीपीए रीड का लॉकर लग जाता है, वो उसके जरिए जो है ना हम पैसे कमाते हैं। सही है, कॉन्टेंट लॉकर, इसके ऊपर कॉन्टेंट लॉकर लगाया हुआ है, ठीक है, स्क्रिप्ट कहेंगे सब कुछ कहेंगे मिल जाएगा। मैं तो वेबसाइट इतनी स्लो खुली है, मुझसे खुद खोल ही नहीं जा रही, ठीक है, अब दूसरी मैं आपको खोल के दिखा देता, या लेट से कि अगर मैं इसके ऊपर जाके दिखाऊं मैं आपको, चले इसको साथ साथ हम देखते रहते, साथ साथ हम लेक्चर भी करते रहते। ये थी गेमिंग नीश, ये हो गई। अच्छा, इसके बाद एक है अमेजोन की नीश है, ठीक है, ये मेरी वेबसाइट ही है, उसी को हम आगे डिस्कस करेंगे। इसमें वो मैं भी आपको जो है ना दिखाता हूँ अपनी वेबसाइट, और उसके रैंकिंग्स के हवाले से भी डिस्कस करते हैं। अगली चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट थी, जो मैं समझता हूँ कि जो मैंने समझे सब में लैग कर रही है, वो ये कर रही है कि आप लोगों का कोई डेली एसईओ स्ट्रेटजी, कोई डेली बैकिंग प्लान नहीं होता, जिसकी वजह से आप लोग कामयाब नहीं होते। एवर थॉट ऑफ क्रिएटिंग अ डेली एसईओ स्ट्रेटजी, मैं कहता हूँ यार डेली बैकलिंक, जैसे मेरा डेली, लेट से ये मेरी डेली स्ट्रेटजी है, डेली स्ट्रेटजी क्या है मेरी कि मैंने डेली गूगल वेब मास्टर टूल पे जाकर देखना है कि कितनी क्वेरीज हुई हैं, मेरी डोमेन पे। आई ट्राई टू मेक अ न्यू वेब 2.0 ब्लॉग डेली, क्या ख्याल है, इस तरह की डेली स्ट्रेटजी नहीं होनी चाहिए हमारी? तो इसके ऊपर आता है तो सर्वे आता होता है, यहाँ पे ना सर्वे, वो पाकिस्तान कंट्री है, तो इसलिए हमारी डेली स्ट्रेटजी इस तरह की हो ना, तो मेरा ख्याल है कि हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं। अभी सबसे बड़ा जो मैं फील करता हूँ कि मुझे जो ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के ना आगे जाने की वजह क्या है कि आप लोग कुछ कर ही नहीं रहे। देखिए आपकी वेबसाइट ऐसे रैंक नहीं होगी, ठीक है यार हमारे कॉम्पिटिशन बहुत टफ है बहुत, आप जब तक डेली कुछ ना कुछ अपनी मकसद के लिए नहीं करेंगे ना, आप कामयाब नहीं होंगे। आपको डेली एक सीढ़ी चढ़नी है, रोजाना एक सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाना है, ठीक है, आप रोजाना अगर नीचे बैठ के देखते रहेंगे ना कि यार सीढ़ियाँ 100 हैं, बहुत लंबा सफर है, मैं कैसे करूंगा, तो आप जिंदगी में कभी नहीं सफर कर पाएंगे। एक तो तरीका है कि आप सारा काम आउटसोर्स कर दें, ठीक है, बंदों को दे दें, रख ले बंदे रख लें, आउटसोर्स कर लें सारा काम, या किसी से सर्विस ले लें करवा लें, ठीक है, ये है। अब मुझे ऐसे लगता है कि मोस्टली का
बजट थोड़ा सा टाइट है, बजट नहीं है इतना कि ये चीज कर सके। तो मैं आपसे सवाल करता तो हूँ, आप डेली क्या करते हैं? आपने उन 100 सीढ़ियों को डेली चढ़ने के लिए क्या किया? हमने लेट से जनवरी फरवरी में ये कोर्स स्टार्ट किया है, आज जुलाई आ गई है, फेब ठीक है, आपने डेली क्या स्टेप किया? क्या आपने अभी तक क्या कोई वेबसाइट भी बनाई है? किसी को प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं आप? किसी और के प्रोजेक्ट में, किसी कंपनी में काम कर रहे हैं? सिर्फ पैसे जाया किए? क्या किया? अगर आपने वेबसाइट ही नहीं अभी तक बनाई, कोई स्टार्ट ही नहीं किया, तो आप कैसे कामयाब होंगे? मैं एक थोड़ा सा कह रहा हूँ कि अगर आप कोई एक्शन नहीं लेंगे, कुछ करेंगे नहीं, तो कामयाबी कैसे मिलेगी? आपको थोड़ा सा स्टेप तो लेना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा तो आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो आप ऊपर नहीं जाएंगे, नहीं तो आपकी वेबसाइट कभी भी रैंक नहीं करेगी, कभी भी नहीं ऊपर आ पाएगी। ये तो मैंने डेली स्ट्रेटजी बनाई है ना अपने लिहाज से, आप लोग अपने अपने लिहाज से डेली बनाए, आप देखिए आप डेली कितना टाइम दे सकते हैं। लेट से मैं कहता हूँ कि यार आप डेली रोज का 1 घंटा अपनी वेबसाइट के एसईओ के लिए डिपेंड करते हैं जी, मेरा रोज का 1 घंटा, 1 घंटा मुश्किल है आप लोगों के लिए देना? 1 घंटा मुश्किल है क्या? आप डेली 1 घंटा अपनी वेबसाइट के एसईओ के लिए देते हैं, मुश्किल है किसी के लिए? तो आपका डेली प्लान होना चाहिए कि यार मैं रोज का 1 घंटा देता हूँ और मैंने उसमें ये चीजें करनी है, ठीक है? ठीक है, अब देखिए मिलना ना मिलना ये सब कुछ चीज होती है अल्लाह के हाथ में, मगर अगर हम इस अगर में कुछ करें ही ना कि यार सब कुछ अल्लाह के हाथ में है, हम कुछ करें ही ना, तो वो स्ट्रेटेजी तो बिल्कुल मुझे नहीं समझ आए कि कोई, ये मेरी अकल में नहीं आई गई कि हम इस अगर में कुछ करें ही ना। ठीक है, आपका डेली कोई ना कोई एक गोल होना चाहिए कि यार हम कुछ कर रहे हैं, कुछ ऊपर जा रहे हैं, नहीं तो आप कभी कुछ ऊपर नहीं कर सकेंगे, नहीं तो आप कभी भी कुछ नहीं कर सकेंगे। अच्छा, मोटिवेशन बहुत हो गई। एक क्वेश्चन आया था मोहसिन का, मैंने मोहसिन के क्वेश्चन का आंसर देना था, तो उस लिए एक मेरा है उतना आपके सामने रखता हूँ। ये क्वेश्चन था, या आप लोगों में से किसी ने क्वेश्चन पढ़ा ये वाला, सर अलीजा अगर हम बैकलिंक्स बना रहे हैं तो वो बैकलिंक्स अपनी मेन साइट को दें लाइक sample.com क्यों, या उसकी किसी पोस्ट को जिसके आर्टिकल को हम रैंक करना चाहते हैं, या वो पोस्ट आर्टिकल आर्टिकल ऑटोमेटिक रैंक हो जाएगा मैं साइट को बैकलिंक देने से? ठीक है, कोई इसमें आप कोई आप बताएं, किसी की कोई राय है इसमें, इस हवाले से? को पोस्ट को भी देने होंगे, थोड़े से एक्सप्लेन करें, पोस्ट को देने होंगे, साइट को देने होंगे, दोनों को देने होंगे, ये क्या करना होगा? सारे मेन को नहीं दें, दोनों को देने होंगे, दोनों को देने होंगे, कितने देने होंगे, क्या रेशियो रखी जाए मेन एंड पोस्ट को भी? अच्छा ठीक है, अच्छा आप लोगों को पता है कि कितने आप कीवर्ड्स हैं जिसके ऊपर विकिपीडिया बगैर किसी बैकलिंक के रैंक हो रहा है? इसको तो आप एग्री करते हैं, मानते हैं इस चीज को कि विकिपीडिया कितने कीवर्ड्स पे बगैर किसी बैकलिंक के रैंक हो रहे हैं? ठीक हो गया। अच्छा अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, इसमें मैं आप अपनी एक वेबसाइट की भी मैं दिखाता हूँ, आप लोगों को पता होगा कि मैं एक वेबसाइट जिसमें मैं काफी देर से काम कर रहा हूँ, ठीक है? वो ये ये तो आपको पता है ना कि मैं कितनी देर से इस वेबसाइट पे काम कर रहा हूँ, ठीक हो गया, बच्चे बच्चे जानते हैं इस वेबसाइट, ठीक है? अच्छा अब आपको पता चला होगा मैं इसके ऊपर थोड़ी बहुत हमारी रैंकिंग भी मिल गई। अब ये देखें, इस कीवर्ड को हम टारगेट कर रहे थे, ठीक है, ये था, ठीक है, अब आज आप ये देखें कि उस कीवर्ड के ऊपर ये वेबसाइट कहाँ पे है। अच्छा फॉर सम पीपल ये अभी ये पेज 1 और 2 पे है, बट पेज 2 से नीचे नहीं है, पेज 1 और पेज 2 में जमान भाई साथ साथ उनको मैं चेक करवाता रहा हूँ, देखो मैंने शायद रमजान भाई को भी चेक करवाई थी, तो उनको भी है कि ये वेबसाइट आपको पता है नहीं, ये टॉप पे आ गई हुई वेबसाइट, इसको जो है पेज 1 और 2 के ऊपर ये रैंक कर रही है, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखें, सबको पता लगे, बाकी को भी पता लगे। अच्छा अब ये देखें, इसको रैंक करने में कितना टाइम लगा,
आपका आर्टिकल है फेबरी से हमने इसकी प्रमोशन स्टार्ट की थी, फेबरी मार्च अप्रैल मई जून, फेबरी मार्च अप्रैल मई जून 5 महीने लग गए, ठीक है, रैंक करते हुए, ठीक है 5 महीने लग गए। और अब लेट से अगर हम इसका देखते हैं कि इसके बैकलिंक्स कितने हैं, ठीक है थोड़ा सा हम इसका आइडिया भी लेते हैं। अच्छा आप लोगों को नज़र आ रही रैंकिंग गौर भाई, आपको भी नज़र आ रही है? आप ये देखें कि हमारे कितने बैकलिंक्स से 2.2 के टोटल बैकलिंक्स लिए, ठीक है इतना टाइम लगा इसको रैंक करने का। अब मैं आपको एक और स्ट्रेटजी बताता हूँ। अच्छा ठीक हो, आपने वैसे भी चेक की थी, ठीक हो गया, चले अच्छा हो गया, इनकी अब टॉप पे आ गई वेबसाइट आ गई। मैंने सिर्फ इस प्रोजेक्ट के लिए बेसिकली आप लोगों के लिए की थी कि कोर्स में चलाने के लिए। अब एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, एक साइड पहलू, इससे हट के एक पहलू है, इस वजह से मैंने इसको लेक्चर में इंक्लूड किया, नहीं तो मैंने रिकॉर्डिंग में नहीं डालना था इसको। वो ये है कि हम जाते हैं नहीं सारे मैनुअली बनाए गए और फिर आई हैव अ टीम ऑफ प्रोफेशनल्स एज वेल, तो बट हमारा 90% काम मैनुअल के ऊपर ही। मैं ये सॉफ्टवेयर वगैरह मैंने यूज़ करता हूँ ये वाले, ठीक है डायरेक्ट टायर वन के लिए मैं बात कर रहा हूँ, डायरेक्ट बैकलिंग के लिए तो मैं सॉफ्टवेयर बिल्कुल भी यूज़ करता। अच्छा अब मैं कुछ और चीज़ दिखाने लगा, आप उसकी तरफ गौर करें। अब हम जानेंगे वीडियोज में, ठीक है। अब कीवर्ड क्या है, बेस्ट रैंक में साथ है, ठीक है। ये सेकंड नंबर पे एक वेबसाइट आ रही है, वीडियो नज़र आ रही है आपको, ये वाली आ रही नज़र? अच्छा अच्छा ये वीडियो जो है ना, ये वीडियो भी रैंक कर रही है, ठीक है ये वीडियो भी रैंक कर रही है। और मजे की बात है इसमें फिर वीडियो लिंक मेरा ही आ रहा है, ठीक है। अच्छा मगर एक चीज़ आपको बतानी है कि इस वीडियो को रैंक करने के लिए हमारी कॉस्ट 100 गुना कम आई या 100 गुना कम बैकलिंक्स बनाने पड़े इस वीडियो को रैंक करने के लिए, आज निस्बतन वेबसाइट को रैंक करने के लिए, ठीक है। ये एक ड्रॉबैक है, ठीक है, मगर उसका पॉजिटिव पॉइंट क्या है कि एक दफा हमारी वेबसाइट की अथॉरिटी बन गई है तो अब हम कोई भी नया आर्टिकल लाएंगे तो उसकी 60-70% अथॉरिटी ऑलरेडी बन गई होगी, यानी कि उसको बहुत कम बैकलिंक चाहिए होंगे रैंक करने के लिए। अब जो सवाल था कि क्या मेन पेज पे हमें बैकलिंक देनी चाहिए या इनर पेज पे देनी चाहिए, तो हमारा पास ये बताना है, मेरा बनता है कि जितनी हम अपनी डोमेन अथॉरिटी बेहतर करेंगे उसका हमें ओवरऑल फ़ायदा होगा। और बैकलिंक्स की रेशियो अगर आप अंदर के बैकलिंक्स को भी देंगे तो डोमेन अथॉरिटी उससे भी बढ़ेगी, चूंकि आपका कोई भी आर्टिकल, आप कहीं पे भी आप कुछ भी आर्टिकल खोलेंगे तो उसमें एक होम पेज का लिंक होता है, यानी कि जो लिंक यूज है वो इस वाले पेज से हर पेज पे जा रहा है, हर लिंक पे जा रहा है जो इस वेबसाइट के ऊपर है, और इसमें होम पेज भी है, ठीक है। ये देखिए होम पेज भी है, अबाउट भी है, ठीक है, इन सब पेजेस पे लिंक यूज जा रहा है, ठीक है, ये रोटेट होता रहता है। मैं पर्सनल तौर पे कहता हूँ कि अगर आप किसी कीवर्ड को टारगेट कर रहे हैं तो अगर आपकी वेबसाइट पे बिल्कुल जीरो बैकलिंक है तो आप 40-60 स्टार्टिंग में रखेंगे, 40% मेन पेज पे बैकलिंक जाए, 60% सब पेजेस पे जाए। मगर अगर आपकी वेबसाइट इस्टेब्लिश हो गई है, उस पर कुछ बैकलिंक्स आगे हुए हैं और कुछ कीवर्ड पर रैंकिंग हो गई है, तो मैं रिकमेंड करूँगा 80% तक आप अपने सब पेज को ऊपर लिंक्स लें, क्योंकि आपकी वेबसाइट को डोमेन अथॉरिटी मिल गई हुई है और बड़ी आसानी से रैंक हो जाएगी, बल्कि इवन 90% तक भी आप जा सकते हैं। अच्छा अब मैंने आपको एक वीडियो दिखाई है ये, ठीक है, अब मैं आपको दूसरी वीडियो दिखाता हूँ, ये देखिए ये भी हमारी वेबसाइट को जाती है, ठीक है जी, ये देख रहे हैं आप लिंक जा रहा है, ठीक है भाई नजर आ गया आपको ये लिंक, ये वाला कि ये भी इवेंट क्या रैंक कर रहा है, ये सब किधर ले जा रहा है, जूस कहाँ जा रहा है, ये सब मेरी मेन साइट को सपोर्ट, मतलब मेरे पेज को सपोर्ट कर रहा है। अब एक और स्ट्रेटजी क्या है कि हमने अपने बाकी पेजेस को भी रैंक कर रहे हैं जो हमें इवेंचुअली सपोर्ट कर रहे हैं रैंकिंग में, वो ये है, ठीक है। अब मैं आपको एक दो और दिखाता हूँ, आप ये देख लें ये भी किसको रैंक कर रही है, ये
बीसी को रैंक कर रहे हैं, ये भी ये तीसरी वीडियो है। और मैं आपको बताऊं कि ये तो मैं आपको यूट्यूब की दिखा रहा हूँ कि एक एक वीडियो को इवेंचुअली मैंने 10-10 वेबसाइट्स पे डिस्ट्रीब्यूट करने आ गए। ये देखिए, ये फिर मेरी मेकअप जा रही है, ये देख रहे हैं आप, लेकिन वही का वही। अच्छा, अब ये सारे क्या है, सपोर्टिंग है। अब इसकी वजह से क्या होगा कि थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट मेरी एक दफ़ा रैंकिंग इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि मेरे कंपेटिटर भी मुझे जो है ना इतनी आसानी से पंगा नहीं लेगा। अच्छा, अब इसके मुकाबले पे मैं आपको एक और मजे की सरप्राइजिंग चीज बताऊँ। एक कीवर्ड है जिसको हम टारगेट कर रहे हैं, उसका नाम है कॉनेयर फूड स्पा, ठीक है। इस कीवर्ड पे अभी जो है ना हम थोड़ा सा नीचे, ठीक है, मेरा ख्याल है फिफ्थ पेज पे या थर्ड पे के बाद आते हैं कहीं पे, ये थर्ड पेज पे आ रहे हैं, ठीक है। ये आगे नज़र आ गई आप लोगों को, अपने थर्ड पेज पे इस वक्त आ रही है, ठीक है। अच्छा, अभी थर्ड पेज पे आ रही है, मगर अगर हम वीडियोस में जाएं तो हमारी काफ़ी वीडियोस ऑलरेडी, ये वीडियो हमारी, ठीक है, ये रैंक हो चुकी है। अब मैं आपको एक और इसके अलावा एक और चीज़ भी मैं आपको बताता हूँ। पहले तो मैं आपको एक और रैंकिंग दिखाता हूँ, फिर उसके बाद जो है ना मैं एक और चीज़ बताता हूँ। क्वेश्चंस आपने लिखते जाए, ठीक है, मैं आंसर कर देता हूँ। अभी वो ये है कि एक ये कीवर्ड है जिसको हम टारगेट करें, वो हाल ही नेक मसाजर, ठीक है। नेक मसाजर कीवर्ड पे भी हम ऊपर आ गए, ठीक है, शायद तीसरे पे हैं या चौथे पे हैं इस, वो भी इंशाल्लाह आप जो है ना इसके ऊपर भी अमीन के टॉप में वो, ये देखिए, ये देखिए पेज फोर के ऊपर ये वेबसाइट आ गई हुई नज़र आ रही है आपको, ठीक है, नेक मसाजर कीवर्ड के ऊपर, ठीक है। अब ये कीवर्ड नेक मसाजर जो है, इसकी तो बहुत बड़ी सर्चेज है, ठीक है, ये तो बहुत बड़ा कीवर्ड है। इसके पहले 18,000 के करीब है, पर लीजिए आप लोग खुद सर्च कर लीजिए। अच्छा, मैंने जब आपको मेन चीज़ बतानी थी वो ये है कि ठीक है, हम इसके ऊपर भी आ गए हैं, वो ये है कि मैं खाली अपने YouTube के ज़रिए ही नहीं, मैं कीवर्ड्स YouTube की वीडियोस के ज़रिए नहीं उनको मैं रैंक करने की कोशिश करता, बट मैंने एक और भी चीज़ की है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। दिखाते हैं आपको अभी, अच्छा चलिए एक सेकंड में स्क्रीन बंद कर रहा हूँ, मैंने एक दो चीज़ें करनी है, तो प्लीज़ जो है माइंड की जगह स्क्रीन एक सेकंड में कर रहा हूँ। क्योंकि अब जो मैं आप लोगों को चीज़ दिखाने लगा हूँ वो अगली मेरी स्ट्रैटेजी है कि इसके ज़रिए भी हम रैंक करते हैं। वो क्या है कि मैं अपनी वेबसाइट को कोरा के पेजेस के ज़रिए भी रैंक करता हूँ, कि मैं कोरा के पेजेस को रैंक करने की स्ट्रैटेजी भी बनाई है कि कोरा के पेजेस को भी रैंक किया जाए, ताकि उनसे भी आपको जो ट्रैफिक भी मिलती है, सेल्स भी मिलती हैं और अथॉरिटी भी मिलती है, और साथ साथ जो है आपकी रैंकिंग्स भी इम्प्रूव होती है। इवन वो पेजेस भी रैंक करते हैं तो आपका ही लास्ट में फ़ायदा है। मैं कुछ कोरा के पेजेस हैं जिनके ऊपर हमने काम करते हैं किया हुआ, ये नहीं है, वो मैं आपको दिखाने, बट चूँकि जहाँ पे पड़े हुए हैं वो मैं आपको बता नहीं सकता।
कुछ वजूहात की वजह से। चले मैं आप स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को, अब स्क्रीन नजर आ रही है ठीक हो गया। अच्छा अब एक ये देखें, ये है यहाँ पे, अब ये बेस्ट पोस्टर करेक्टर, ये फिर हमारी वेबसाइट को लिंक जा रहा है ठीक है। एक कीवर्ड है बेस्ट पोस्टर करेक्टर, इसको भी हम टारगेट कर रहे हैं ठीक है। इसको पर भी लिंक जा रहा है, कहाँ से जा रहा है, कोरा से जा रहा है ठीक है। 10 आप वोट मिल गए। ये जो स्ट्रेटजीज जो मैंने आप लोगों को बताई है, जिस तरह मैं दिखा के भी करा कि यार ये हमने की है स्ट्रेटजीज, हमने की है करके दिखा रहे हैं आपको। ये देखिए ये एक और जगह, यहाँ पे जाए फिर बेस्ट पोस्टर करेक्टर ठीक है। ये एक और आंसर है, ये एक और है ठीक है, इसमें बैक सपोर्ट पेस है ठीक है। ये फिर हमारी वेबसाइट को टारगेट हो रहा है। ये एक और है, ये देखिए, और हर एक को हम क्या कोशिश करते हैं कि आप वोट दिलवाएं ताकि ये टॉप आंसर रहे ठीक है। और जितने भी लॉन्ग टेल कीवर्ड्स होते हैं इनको टारगेट करने की बेस्ट जगह होती है कोरा, क्योंकि ये कोरा पे आसानी से रैंक हो जाती है। जो लंबे लंबे कीवर्ड्स हैं और कीवर्ड से क्या होगा, रैंक क्या होगी, आपकी मेन वेबसाइट ही रैंक होगी ना, क्योंकि आप मेन वेबसाइट ही खुलेगी। रैंक नहीं भी होती तो भी ट्रैफिक यहाँ से मिलेगी, जब इन कीवर्ड्स पे कोई सर्च करेगा और जब इस लिंक से आएगा तो वो भी फिर हमारी सेल होगी। क्या ख्याल है आप लोगों का? अब इसमें ये देखिए, ये फिर हमारा हमारी वेबसाइट आ रही है यहाँ पे massagespaclub.com लिखा हुआ ठीक है। ये देखिए पोस्टर ब्रेस ठीक है, ये कीवर्ड है, इसके ऊपर हमारे आ रहे। अब ये भी ट्रैफिक का सोर्स है, अब ये खाली ट्रैफिक का सोर्स नहीं है बल्कि सेल्स का भी। अच्छा अब चीज़ यहाँ डिटर्मिनेशन की बात है कि आपको डेली में डेली कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अभी हमारी वेबसाइट से आप देखिएगा कि अभी तो ये है ना, आप महीना और इसके बाद देखिएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये हर कीवर्ड पे जब टॉप पे आ जाएगी फिर आप लोग कहेंगे वाह यार वाह। अभी एक कीवर्ड है ना पोस्टर ब्रेस, अब आप इसके ऊपर मैं आपको रैंकिंग दिखाती हूँ। मैंने कीवर्ड आपको बताए नहीं हुए थे पहले क्योंकि मैं वो दिखाने नहीं चाह रहा था रैंकिंग। अब आप पोस्टर ब्रेस पर रैंकिंग देखिएगा, अब पोस्टर ब्रेस को 18,000 से ज़्यादा सर्चेज हैं इस कीवर्ड की ठीक है। अब ये देखिए पोस्टर ब्रेस पे पहले पेज पे तो नहीं है ठीक है, दूसरे पेज पे भी नहीं है ठीक है, तीसरे पेज पे भी नहीं है, चौथे पेज पे भी नहीं है, पांचवे पे हो जाएंगे, पांचवे पे नहीं हो जाएंगे बल अंडर 10 है ये पेजेस पे ही है, ऊपर अभी फ्लक्चुएट हुई होगी जिसकी वजह से नीचे चली गई है। नो इश्यूज है और चलो अभी तो यहाँ पे नहीं आ रही, बट अगर मेरा एक और कीवर्ड है पोस्टर बेस्ड रिव्यूज ठीक है, इसके ऊपर तो ये सेकंड पेज पे आ रही है स्टेबल, इस पे तो सेकंड पेज पे स्टेबल है यहाँ पे, अब यहाँ पे भी नहीं आ रही, थर्ड पेज पे नीचे दिख रही है ये देखिए ठीक है। ये अभी ये ऊपर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, ये आ जाए, ये सब जो है ना इसके ऊपर नंबर 1 पे आ जाएंगे। अब मैं आपको बताऊँ हम कॉनियर फूड स्पा भी रैंक कर रहे हैं, कीवर्ड है हीटेड फूड स्पा ठीक है, हम इसके ऊपर भी रैंक कर रहे हैं। ये कीवर्ड है 3600 पेज सर्चेज होती है इसकी ठीक है, और इसके ऊपर भी यही फॉर्मूला है कि फिर हम हाल ही एक पेज को रैंक नहीं कर रहे, हम medium.com के आर्टिकल को भी ये देखेंगे, दूसरे पेज पे आ गई ठीक है, नजर आ रहा है आपको ठीक है। अब खाली एक को नहीं बल्कि मल्टीपल चीजों को रैंक कर रहे हैं। अब जैसे लेट से किसी ने अगर इन्वेस्टिगेशन करनी हो तो यार वो तो इन्वेस्टिगेशन करे ना कि यार ये क्या हो रहा है क्यों हो रहा है, अब इसके जाते वीडियोज में ठीक है। अच्छा अभी देखते हैं, अब ये देखें ये वीडियोस भरी पड़ी हैं ठीक है, जिसके ज़रिए हम इसको टारगेट कर रहे हैं। ये भी हमारी, ये हमारा जून में, ये देखें जून के अंदर ये आए, एक और वीडियो आई है, इसके ज़रिए फिर हम रैंक करेंगे।
इसको भी रैंक करेंगे, मेन वेबसाइट को भी करेंगे, तो दिस इज समथिंग द प्रोसीजर गोज। और अच्छा, अब हमारे इतना ज़्यादा ट्रस्ट हो गया कि फिर गूगल में भी बहुत मुश्किल हो जाता है इस वेबसाइट को निकालना, क्योंकि यार इतनी अथॉरिटी से आ रही है, हर जगह से आ रही है, और फिर अभी वहाँ से ट्रैफिक भी आती है, इस वजह से सेल्स भी होती है। अच्छा, तो अब जो है कोई सवाल आप लोगों का आज के लेक्चर के बारे में, कोई क्वेश्चन आंसर अभी तक अगर किसी ने कोई कुछ करना हो, किसी के पास कोई बात हो, आज का लेक्चर ठीक था? और जब आप लोग सवाल कर रहे हैं तो काइंडली दिल खोल के करें, कोई दिल में नहीं रखना चाहिए। अब मैं रमज़ान अली भाई का सवाल आया हुआ मेरे पास, सर आपने यूट्यूब की वीडियोस को रैंक करने के लिए सेम कीवर्ड एंड टैग यूज़ किए जिसकी वजह से आप, जी बिल्कुल सेम किए। अच्छा, आपस में मजे की बात है रमज़ान, जब हमने टारगेट करने में तो ये रखे, हमने अपना कंपेटिटर खुद बनाना है अपने आप को, ठीक है, आवर ओन, ठीक है। एक आर्टिकल हमारा medium.com का, ठीक है, इसके जरिए भी वी आर ट्राइंग टू रैंक, ठीक है। youtube.com वी आर ट्राइंग टू रैंक, ठीक है। उसी आप वीडियो को आप dailymotion.com पे भी डालें, ठीक है, वी आर ट्राइंग टू रैंक। अच्छा, अब डबल रैंकिंग है, एक तो हम इन पेजेस को रैंक कर रहे हैं कीवर्ड पे, और फिर ये पेजेस से लिंक हमारा अपनी मेन वेबसाइट तक खुलेगा, यानी कि ये सब पेजेस भी मेहनत करेंगे हमारी मेन वेबसाइट को रैंक करने के लिए, और हम मेहनत करेंगे यार ये पेजेस गूगल पे टॉप पे रैंक आए। कॉन्सेप्ट आपको समझ आ रही है वाला? ये सारे कॉन्सेप्ट है स्टेबल रैंकिंग के, इनके जरिए जो रैंकिंग्स मिलती है ये हिलती नहीं है, छिड़ती नहीं है। बाकी जो लोग टेम्परेरी, अब मेरी एक दिन बात हो रही थी जमान से बात हो रही थी, मैंने कहा आपको पैसे इतने मिलेंगे आप क्या करेंगे आप, मैंने कहा मैं कहते मैं पीपीएन लिंक्स लूंगा, मैंने कहा पीपीएन लिंक्स हाल ही, अगर पीपीएन लिंक्स लेंगे तो मैं तो रिकमेंड नहीं करूंगा, आप हाल ही पीपीएन लिंक्स लें, आप पीपीएन लिंक्स को यूज करें मगर डाइवर्सिफाई करके यूज करें, कि एक सोर्स ऑफ आपका लिंक बिल्डिंग मेथड नहीं होना चाहिए, बल्कि मल्टीपल सोर्सेज ऑफ लिंक बिल्डिंग मेथड्स आपके यूज होने चाहिए, ठीक है, ताकि गूगल हर जगह आप सेफ रहें, ठीक है, ठीक हो गया। रमजान भाई आपके भी सवाल का जो, अच्छा सर सेम वीडियो कितनी वीडियो साइट्स पर अपलोड कर सकते हैं? अच्छा, आप इसको 20 वीडियो साइट्स की लिस्ट है, अब मैंने हाल में वहां डाल दी हुई है, अगर नहीं डाली हुई तो पूछ ले मुझसे, रोला डाल देंगे यार, वो ग्रुप पे पूछेंगे यार ये वेबसाइट की लिस्ट क्यों नहीं डाली हुई, वहां भी डाल दूंगा। तो 20 पे आप अपलोड कर सकते हैं, जितनी वीडियो मिले जगह वहां पे हर जगह पे अपलोड करनी चाहिए, ठीक है। टाइटल थोड़ा सा डिफरेंट कर करके यूज करना चाहिए, ठीक है, आप टाइटल्स वगैरह थोड़ा सा आपको यूज करें, थोड़ा सा और डिस्क्रिप्शन में भी एक आधी लाइन आगे पीछे करें, बट आप ये फिर अपलोड करते जाए जहाँ जहाँ आपको करते जाए। अच्छा, वीडियो क्रिएशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ SEO, ठीक है, बट मैं आपको बता दूं कि सम सॉफ्टवेयर टू क्रिएट फ्री वीडियो, देखिए आप सॉफ्टवेयर टू क्रिएट फ्री वीडियोज वो मैं आपको बता देता हूँ, स्लाइड्स बेस्ड माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट से हो जाती हैं, ठीक है, फिर इसके बाद कैमटेसिया स्टूडियो, विंडो मूवी मेकर, कोई साइंस लगानी हो तो पोर्टून का फ्री वर्जन, ठीक है, उसके साथ लोगो आता है, ठीक है। अब आप ये देखें कि अब हमने इसको एज एन एक्सपोर्ट करना है, ठीक है, ये ले मैं वीडियो में स्लाइड्स को स्लाइड बेस्ड मैंने वीडियो बना दी, ठीक है, ठीक हो गया। कितना टाइम लगा मुझे वीडियो बनाते हुए? 2 सेकंड भी नहीं लगे, स्लाइडें बना बना के अपलोड कर देंगे, ठीक है, ये मेरी वीडियो बन गई, MP4 वीडियो फॉर्मेट होता है, ठीक है, MOV जिसके ऊपर मैं चाहूँ मर्जी कर दूँ, ठीक है, सिर्फ मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। और कोई किसी का सवाल? लेक्चर ठीक रहा आप लोगों के? समझ आया? डू यू थिंक इस लेक्चर का मतलब, हमारा कोर्स कंप्लीट हो गया है, बट दिस वाज एन एडिशनल लेक्चर, थोड़ा सा रिवीजन था, बट द मेनली चीज जिसको मैं हाईलाइट करना चाहता था वो ये था कि आर यू डूइंग एनी थिंग इन योर लाइफ, आपने कुछ किया इस कोर्स को करके या नहीं किया, ठीक है। तो
जी, जजाकल्ला, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। आप लोगों के पास एक गोल होना चाहिए लाइफ में कि यार हमने कुछ करना है, हमने कुछ पाना है, ठीक है। काइंडली उसको रेन में रख के आप करेंगे, उसके बाद बात कीजिएगा, ठीक है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। अब मैं इसको ख़त्म कर रहा हूँ लेक्चर को। ये वेलकम, और रिकॉर्डिंग्स अभी अपलोड हो जाएंगी तो आप उसको देखिएगा भी सही, बाद में भी देखिएगा। जो जो जिसका सेक्शन मिस है प्लीज़ उसको देखिएगा। हर लेक्चर भी मेहनत हुई है तो प्लीज़ काइंडली उसको रिवाइज करके बार बार देखें, वीडियोज़ को देखें। उम्मीद करूँगा थोड़ी सी मोटिवेशन भी मिलेगी इससे आपको। थैंक यू।